पुरोहित चंद्रेश्वर सिंह की हत्या की रहस्य से पर्दा की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा सकी। महाराजगंज के वयोवृद्ध चंद्रेश्वर सिंह के शव मिलने के 2 हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक हत्यारों की पहचान और उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। परिजन का आरोप की हत्या की हम लोगों द्वारा बताए गए कुल्लू पर पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं। बिहार के सारण मंडल के महाराजगंज में लाश मिलने से सनसनी फैली। वहीं गुशाए लोगों ने बाजार बंद कराया था। यह मामला महाराजगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक निर्माणाधीन भवन के शौचालय की टंकी से लाश मिली थी। वही चंद्रेश्वर सिंह 25 नवंबर से गायब थे। परिजन ने थाना को इसकी सूचना दी, तब महाराजगंज थाना ने 26 नवंबर को FIR दर्ज की थी। वही चंद्रेश्वर सिंह अवकाश प्राप्त शिक्षक थे। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही SP को बुलाने की मांग की। साथ ही पुलिस की लापरवाही पर उन्हें दंडित करने की मांग की। तब DSP हरीश शर्मा ने अविश्वासम परिजन को दी। वही पुलिस प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था के लिए उस समय 5 थानों की पुलिस को बुलाया गया था। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आपके छोटे भाई साहब की हत्या की करीब करीब 18 दिन होने जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, संतुष्ट नहीं, हमको तो कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। अभी तक क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा नहीं, सामने नहीं लाए। 18 दिन के पीरियड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मकुल पीरियड होता है। तो क्या आपने इसके लिए, मान लीजिए महाराजगंज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच इंस्पेक्शन में कुछ नहीं कर रही है, तो आप इस मैटर पर SP साहब से मिले थे, जिला पदाधिकारी से? जिला साहब से अब मैं मिलूँगा। मैंने सोचा कि एक कंफर्टेबल टाइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाए, वो लोग कुछ करेंगे, उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन अब मैं SP साहब से मिलूँगा। उन्होंने स्वयं कहा है कि आपको जो चाचा जी के जो लाश मिली है, चाचा जी कितने दिन से गायब थे? 6 दिन से गायब थे। तो क्या आपने थाना में FIR दर्ज कराई थी? तुरंत। तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट थे? नहीं नहीं नहीं। तो आगे की क्या आप बताना चाहते हैं? 28 तारीख को DSP साहब आए, उनके कार्रवाई से हम थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन उसके बाद कोई थाना से हम लोगों को मदद नहीं मिला। जब कितनी स्थिति बनी हुई और सुबह पता लगा टंकी में लाश पड़ी थी, थाना कुछ नहीं किए, जिनका मकान है वो खबर किए थाने को, और थाने वाले हम उपस्थित किए। तो हम वहाँ पहुँचे तो देखे कि मेरे चाचा जी का ये है। तो हम लोग DSP साहब के पास, नहीं DSP साहब भी हैं अपने, पुलिस के द्वारा कहा गया कि अभी आप पोस्टमार्टम कराइए, इसके बाद जो है फोरेंसिक लैब को। चंद्रेश्वर सिंह 25 तारीख को लापता हुए थे, उसके बाद 30 तारीख को डेड बॉडी मिली जी, और आज 12 तारीख हो गए। इस पीरियड में क्या अभी तक हत्या का कुछ राज खुला, चाहे पुलिस पदाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको उस पर? देखिए, अभी तक तो इस बारे में कोई भी क्लू, कोई भी सबूत सामने नहीं आया है, और पुलिस के आला अधिकारी भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके पास कुछ मिला हुआ है। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ क्लू मिला है और उस चीज़ को वो सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि इस केस को गलत दिशा में मोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जो कि एक तरीके से इस परिवार के लिए बहुत दुखद बात है। आप कह रहे हैं कि क्लू मिला है, तो आखिर उस क्लू के आधार पर काम एक्टिवेशन नहीं करके दूसरे